Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about deep analysis of SSC JEE exam. जैसे कि SSC JEE ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि 9, 10, 11 अक्टूबर को डेट स्केड्यूल की गई है, तो ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट. तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कैसे टेक्निकल और नॉन टेक को साथ में प्रिपेयर करते हुए चलें और इस एग्जाम को एस करें. सो लेट्स बिगिन विद द एग्जाम पैटर्न. कुछ लोगों को पता है पहले से, पर जो जस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए एग्जाम पैटर्न पता होना जरूरी है कि एग्जाम हमारा 3 स्टेजेस में होता है. फर्स्ट वन इज पेपर वन, पेपर टू, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. जब हम पेपर वन की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर वन, इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप. अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो यहाँ पर 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 120 मिनट्स मिलते हैं. 120 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 2 आवर्स में 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. ईच क्वेश्चन, ये पेपर वन की बात हो रही है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स. तो हर क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता है. वहीं पे अगर हम नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो यस, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग भी होती है. इसका मतलब क्या है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. वहीं पे अगर हम पेपर टू की बात करते हैं तो ये सब्जेक्टिव टाइप होता है. जो भी आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो ये सब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. वहीं पे हम बात करें कि पेपर वन में किस तरीके के पेपर आता है, तो पेपर वन इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. अगर पेपर वन की बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पेपर वन इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. एक होता है हमारा जीके प्लस रीजनिंग का, एक होता है हमारा उसमें जीके प्लस रीजनिंग, दूसरा हमारा होता है टेक्निकल. जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो जिसमें भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, सिविल, मैकेनिकल, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो जो भी आपका है वो डिजायर्ड सब्जेक्ट्स आएंगे उसके. वहीं पर अगर हम जीके और रीजनिंग की बात करें तो ये सारे ब्रांचेस के लिए, तो जीके में भी जनरल अवेयरनेस प्लस साइंस, जनरल अवेयरनेस प्लस साइंस, और रीजनिंग में भी आप देखेंगे कि वर्बल, नॉन वर्बल. तो हम बात करते हैं टेक्निकल की, तो ये प्योर 100 मार्क्स का होता है और रीजनिंग होती है हमारी 50 मार्क्स की, और जीके होता है हमारा 50 मार्क्स का. मैंने एक वीडियो प्रीवियस पेपर के कट ऑफ को लेके भी बनाया था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ पहले आई है और हमें कितने कट ऑफ के लिए पढ़ना चाहिए. तो हमें 130 प्लस मार्क्स के लिए तो एटलीस्ट पढ़ना चाहिए सिविल वालों को, क्योंकि कंपटीशन डेली बहुत हाई हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं. तो फिर टेक्निकल में एटलीस्ट हमें 70 प्लस के लिए अचीव करना चाहिए, 70-75 के लिए. वहीं पर हम रीजनिंग, हम साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हमारी रीजनिंग ऑलमोस्ट अच्छी होती है, तो 40+ 45+ के लिए टारगेट करना चाहिए. जीके में एटलीस्ट 30 मार्क्स के लिए तो हमें टारगेट करना चाहिए. और बहुत ईजी है अगर हम डिजायर्ड टॉपिक्स पढ़ें. तो अगर हम बात करते हैं नॉन टेक पार्ट की, कि हमें नॉन टेक को किस तरीके से अचीव करना है, तो अगर पहले हम देखें तो नॉन टेक में हमारा, इफ वी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर. अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो लास्ट 2022 का जो अभी हमारा जेई का प्री हुआ था, उसमें भी करंट अफेयर बहुत अच्छा खासा पूछा गया था. इवन उसमें 21 का भी करंट अफेयर पूछ लिया गया था. तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सबसे पहले जैन से लेके सेप्टेम्बर एंड तक का आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा, जो 2023 का, 2023 का सेप्टेम्बर एंड तक का है. उसके बाद अगर आपके टाइम, आपके पास टाइम बचता है, तो आप 2022 का भी पूरा करंट अफेयर करिएगा, लास्ट ईयर का भी, पर सबसे पहले इसको टारगेट करिए. उसमें भी कुछ डिजायर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स जो हो गया वो बहुत डिजायर्ड टॉपिक है. ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक तो कि कौन सा कप हुआ, किस जगह हुआ, वेन्यू के बारे में पूछते हैं कि कहाँ पर मैच हुआ था, या जो स्पोर्ट है वो कहाँ पर हुआ था. वेन्यू पूछते हैं कि अगर इंडिया ने कोई कप जीता है तो वो उसकी पोजीशन क्या है, और नंबर वन रैंक पर कौन सा प्लेयर है या फिर कौन सी कंट्री है, ये भी आपको देखना है. तो स्पोर्ट्स में देखना है एक तो आपको. दूसरा सेक्शन होता है अवार्ड्स. अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अवार्ड्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओलंपिक में किसने जीता, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, जो
जिसने जीता उसको देखना है और किस कैटेगरी में जीता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की भी बात की जाती है कि दूसरे कैटेगरी में किसने जीता, खेल कूद में या फिर वीरता के चक्र में, जो भी हमारे इंडिया में भी इतने सारे दिए जाते हैं जो प्रेसिडेंट ने दिया। ये भी याद रखना कि प्रेसिडेंट ने दिया कि वाइस प्रेसिडेंट ने दिया, तो अवार्ड्स उनकी कैटेगरी किसने जीता, किस लिए जीता, ये भी याद रखना है। फिर एक होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बाद अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स जो है, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात होती है, उन्हें भी देखना है कि आईबी में किसका अपॉइंटमेंट हुआ, सीबीआई में किसका अपॉइंटमेंट हुआ, एसएसबी में किसका अपॉइंटमेंट हुआ। तो ये सब जो अपॉइंटमेंट्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया कि किसने जीता है, किसने जीता, किस कैटेगरी में जीता, किसने दिया अवार्ड, ये भी याद रखना है। अपॉइंटमेंट्स हो गए कि किसको आईबी में किसका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर सीबीआई, एसएसबी, जो ऐसी हमारी कैटेगरीज हैं, जो अभी हमारी सेंट्रल अथॉरिटीज हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स भी आपको देखना पड़ेगा। आफ्टर अपॉइंटमेंट, तो अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो बुक्स एंड ऑथर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स और ऑथर, ये जो हमारा थोड़ा मिसलिनियस पार्ट होता है ना, मैगजीन्स के पीछे होता है मिसलिनियस पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुक्स हैं वो हमारी, और इसके ऑथर, बुक्स और ऑथर के बारे में पूछते हैं, या बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें देखना है कि इंडिया को क्या रैंक मिली है। जैसे अभी हैप्पीनेस की रिपोर्ट आती है, या फिर हमारा प्रेस कितना फ्री है, फ्री प्रेस की जो रिपोर्ट आती है, तो इंडिया की रैंक को भी उसमें देखना है कि इंडिया की क्या रैंक है, उसको भी देखना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो नीति आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीति आयोग के कुछ स्कीम्स होती हैं, जो नीति आयोग की कुछ स्कीम्स होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन इन सब चीजों पे, जो ये, अब अगर आप एक बार पीवाईक्यू को देखोगे ना, कि इस कैटेगरी में जो पीवाईक्यू है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है एनालिसिस करने के लिए। तो जब आप इनको देखोगे एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं, रिपोर्ट से, या स्पोर्ट्स में भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है। तो करंट अफेयर इज मोस्टली इंपॉर्टेंट एक बार, लेकिन जब हमें एक टॉपिक का पर्टिकुलर आइडिया लगाना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार हमें पीवाईक्यू को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट है, हमें पता नहीं है कि हम किस कैटेगरी में पढ़े। तो हमें एक बहुत स्मार्ट स्टडी करनी है कि जो पीवाईक्यू में पूछा जाता है, या जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं, उन तरीके के पैटर्न को, या उन तरीके के टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे। फिर अगर हम पे टाइम बचता है तो हम सब पढ़ेंगे। वेल, इफ यू टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, तो उसमें अगर हम बात करें कि अभी जैसे स्टैटिक मिसलेनियस पोर्शन देख ले, तो वहीं पे अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में भी, इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड है हमारी, एक तो एंशियंट में, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एक एंशियंट होता है, एक मिडिवल होता है, मिडिवल में डिवाइडेड है मिडिवल, फिर एक और होता है हमारा मॉडर्न। तो अगर हमें हिस्ट्री सबसे पहले शुरू करनी है, मान लो हिस्ट्री को अगर शुरू किया, तो हिस्ट्री में भी सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा मॉडर्न। मॉडर्न इज इम्पॉर्टेंट, अगर हिस्ट्री की भी बात करते हैं तो मॉडर्न सबसे पहले शुरू करना है। उसमें भी सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद का पढ़ लो, एक तो ये 1857 रिवॉल्यूशन के बाद का पढ़ लो, और उसके बाद फिर गांधीयन, जब गांधी जी आ गए थे, गांधी जी आने के बाद जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, गांधी जी आने के बाद जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, उसको पढ़ना है। फिर आप देखोगे, फिर जब आप ये पढ़ लोगे, तो उसको रिवाइज करने के लिए आप पहले पीवाईक्यू लगाओ, तो उसमें पता चलेगा कि कितना टॉपिक मैंने कवर कर लिया, और इसके अलावा जो टॉपिक पूछ रहे हैं, तो फिर उनको कवर कर लो। और जब गांधी जी वाला एरे के बाद पढ़ेंगे, तो उसमें भी सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है मूवमेंट में, ध्यान देना है कि मूवमेंट में जो है हमारा, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, तो ये सब पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में मोस्टली जैसे आपकी केव्स जो हैं, या फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आप इसको भी ऐड कर सकते हो कि जो हमारा जैनिज्म है, या बुद्धिज्म है, जो उनकी आर्किटेक्चर है, या फिर जो हमारा हिंदू आर्किटेक्चर में टेम्पल का आर्किटेक्चर है, उसको देख सकते हो। लेकिन फिर इम्पोर्टेंट हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इनमें बात करें, अगर हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो इनमें जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो ये स्टैटिक पोर्शन से पूछते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो पूछते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वहीं पे ये लोग क्लाइमेट को भी इंक्लूड करते हैं, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर का एरिया, टाइप्स ऑफ सॉइल को भी इंक्लूड करते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, टाइप्स ऑफ सॉइल, हमारा इसमें टाइप्स ऑफ सॉइल को भी इंक्लूड करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ सॉइल, वहीं
पे बात करें तो पासेस बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारा खाबर पास है या फिर पासेस जो होते हैं आप उनको देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पासेस के बाद हमारा लेक्स इम्पोर्टेंट है, लेक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। रिवर्स और उनके डैम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवर्स एंड डैम्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवर्स में ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे तापी, नर्मदा, ईस्ट टू वेस्ट मूविंग और वेस्ट टू ईस्ट मूविंग रिवर्स भी पूछ लेते हैं, डैम्स पूछ लेते हैं। ये पे अगर हम बात करें रिवर्स में तो गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा में जितने प्रयाग होते हैं कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कौन से रिवर से मिलने से बन रहे हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, तो ये सब प्रयाग हैं वो याद करने। गंगा में प्रयाग और कौन से रिवर के मीट होने पे ये बनते हैं ये भी याद करना है। जैसे आप अगर याद करना चाहो तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे ज्योग्राफी में। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच में है, मालदीव्स और मिनीसोय के बीच में कौन सा चैनल है, डंकन पैसेज क्या होता है, तो आप एक तो ये याद करेंगे। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि इंडिया का मैप किस लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो हमारी पासिस हो गए, पासेस को बता दिया मैंने, फिर टनल्स जो हैं, जो ये पासेस के बीच में टनल्स होंगी उनको एक बार देख लीजिएगा। ये मोस्टली करंट अफेयर में जो टनल्स या जो भी पासेज हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, वो ही मोस्टली पूछे जाएंगे। वहीं पे टनल्स की बात करें तो ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है, जिसमें क्या होता है कि हमें जो हमारी फाइटिंग होती है या फिर जो हम प्रैक्टिस करते हैं उनको, उनका नाम क्या होता है, जैसे धर्मगार्जन इंडिया इंडिया जापान के बीच में होता है, संपीति इंडिया बांग्लादेश के बीच में होता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट हमारा इंडिया चाइना के बीच में होता है। तो ये जो डिफरेंट हम हैंड इन हैंड जो करते हैं, तो ये जो हमारा डिफरेंट फाइटिंग होती है या फिर प्रैक्टिस जो करते हैं हम, उसको भी आपको देखना है। तो जो प्रैक्टिस करते हैं हम, प्रैक्टिस उनके नेम्स जो होते हैं वो भी आपको देखना है। तो ये तो ज्योग्राफी में हो गया। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ये सब पूछा जाता है, जैसे बैरिंग स्ट्रेट हो गया वो किसके बीच में है, और डिफरेंट जो हमारी हाँ रिवर होती है जैसे कैस्पियन सी किस किसके बॉर्डर को टच करती है, रेड सी किसके बॉर्डर को टच करती है, साउथ चाइना सी हो गया वो किसके बॉर्डर को टच करती है, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एंशियंट और मिडिवल की, तो एंशियंट में हमारा इम्पोर्टेंट है जैनिज्म। हमारा एक जैनिज्म का फुल लेक्चर है, आप उसको देख लोगे तो आपका जैनिज्म पूरा हो जाएगा। वहीं पे एक और होता है हमारा बुद्धिज्म, बुद्धिज्म पे भी 2 लेक्चर हैं, आप उसको देख लेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एंशियंट में हमारा इम्पोर्टेंट है जैनिज्म, बुद्धिज्म। वहीं पे एक और इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको भी देखना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। एंशियंट में थोड़े से ऋग्वेद, ऋग्वेद में कौन से मंडल में क्या लिखा है ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, गायत्री मंत्र किस मंडल में है, ये सब ऋग्वेद में ये इम्पोर्टेंट है। वहीं पर अगर बात हुई मिडिवल की, तो मिडिवल में अगर हम बात करते हैं तो मिडिवल में बात करते तो एक तो मुगल वाला सल्तनत जो हो गया, दिल्ली सल्तनत पूरा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट उसके बाद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बीच बीच में चोला, राष्ट्रकूटा, इन सब पे भी, जो साउथ में जो हमारी पूरी किंगडम थी उसमें भी अब बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो मुगल हो गया, आप इनको भी पढ़ सकते हो, चोला, पांड्या, इनको भी देख सकते हो, तो इन लोगों पे भी ज्यादा है। लेकिन आपको ऐसे हिस्ट्री में पहले मिडिवल, वो मॉडर्न को करना है, मॉडर्न में भी पहले 1857 के बाद, उसके बाद गांधी पीरियड के बाद, और मूवमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आप एंशियंट या मिडिवल जो भी आपको चूज करो, इस तरीके से मत पढ़ना, पहले थोड़ा थोड़ा देख लो, फिर उसके बाद रिवाइज करने के लिए हमेशा पीवाईक्यू लगाओ, क्योंकि पीवाईक्यू लगाओगे तो एक आइडिया लगेगा कि अच्छा इस टॉपिक को मैंने कवर किया था, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन मेरे नहीं आ रहे, इसका मतलब ये टॉपिक भी मुझे कवर करना है, क्योंकि इतनी वास्ट है ना, आप कवर करने की सोचोगे तो हो नहीं पाएगा। वहीं पर अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में आर्टिकल्स आर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं पॉलिटी में, तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रियम्बल हमारे एनसीईआरटी पे लिखा रहता है, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी जो है उसमें भी फिर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग सारे आर्टिकल, एक ऊपर से ओवरव्यू लेना है कि किस आर्टिकल के अंदर कितने आर्टिकल में कौन आता है। वहीं पे पॉलिटी में ये पूछते हैं कि ये जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल्स में कि ये आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल किसके सेक्शन में आता है, जैसे 315 यूपीएससी के लिए, इसके लिए। तो इसी तरीके से पूछते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो भी पूरा इनका कार्यकाल होगा कि इनको किस तरीके से इंपीचमेंट किया जाएगा, या फिर इनको किस कौन से आर्टिकल के अंदर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो सीजीआई भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल्स में ये हो गया। फिर प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सोशलिस्ट पहले आया, मतलब जो रैंक में करना होता है, सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है हमारा प्रियम्बल में,
ये एक बेसिक जो हिस्ट्री होती है वो बहुत पूछा जाता है। बेसिक हिस्ट्री जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो पूछते हैं, प्रीएम्बल हो गया, आर्टिकल्स हो गए, फिर पंचायत, पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर शुरू करना है तो ये पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा, और ये बहुत ईजी है, ये सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें 5-6 पेज के नोट्स बनेंगे। और पॉलिटी सबसे ज्यादा मार्क्स की पूछी भी जाती है। स्केड्यूल्स एक बार स्केड्यूल्स भी देख लीजिएगा, स्केड्यूल्स भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल्स तो इम्पोर्टेंट है, स्केड्यूल्स भी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी में हो गया ये देख लेंगे हम। इंडियन इकोनॉमी में जैसे इसमें बहुत बेसिक पूछते हैं, इंडियन इकोनॉमी में, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो जैसे रेपो रेट हो गया, फिर किस तरीके की मार्केट है, डिओपोली है कि ओलिगोपोली है या फिर मोनोपोली है, इस तरीके के मार्केट्स के बारे में पूछते हैं इकोनॉमिक्स में। वहीं पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। अगर हम साइंस में बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री को ऐसे नहीं है कि छोड़ देना बिल्कुल, इसको भी देखना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। केमिस्ट्री में जो हम आजकल पूछते हैं आईयूपीएसी नेम पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। और पीरियोडिक टेबल के बारे में जरूर देखना है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पक्का आता है। वहीं पर फिजिक्स में हमारा वर्क पावर एनर्जी, लेंसेज, लेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साइंस एरिया में बात करें तो बायो से भी वो लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं। 10th तक की एनसीईआरटी की बायो आएगी, उसमें भी अगर प्लांट किंगडम जो है, क्योंकि हम एनिमल किंगडम को पढ़ भी लेते हैं, उसे रिलेट भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं प्लांट किंगडम से। अगर हम प्लांट किंगडम को पढ़ लेंगे तो हाँ, बायो के भी क्वेश्चन अच्छे से हो सकते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, उसमें से ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको किस तरीके से चैप्टर को स्टार्ट करना है, पहले कोडिंग डिकोडिंग कर लेना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आता ही है, वर्ड फॉर्मेशन की एक ये भी आता है कि 5 वर्ड्स गिवेन होंगे, डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा। वेन डायग्राम इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ब्लड रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज, नंबर सीरीज भी आती है और अल्फाबेट की सीरीज भी आती है। तो सीरीज दोनों तरीके की पूछते हैं, एक तो नंबर की और एक अल्फाबेट की, तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत क्वेश्चन कवर करता है अल्फाबेट की सीरीज भी। वर्बल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिकोडिंग, डिकोडिंग सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन फिक्स है, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन फिक्स है, सीरीज तो नंबर और अल्फाबेट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड रिलेशन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फिक्स है, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन फिक्स है। जैसे अगर हम बात करते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल में अगर हम देखें तो जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उस सेट में कंबाइन होके आए हैं। तो आप अगर देखो, अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो अगर आप देखो तो बीएमसी में भी, अगर इतना क्लियर ना हो तो ये हो गया बीएमसी। तो सबसे पहले बीएमसी से स्टार्ट करें, सीमेंट, स्टोन्स, उसके बाद हो गया हमारा मोर्टार, एग्रीगेट्स, कंक्रीट, तो इसको करें। फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर्वेइंग या सॉइल मैकेनिक्स में पहले किसी को भी दे सकते हो। फिर ये FM HHM लिखा है जिसमें OCF भी आता है, तो FM HHM और OCF। फिर आप इरिगेशन को देख सकते हो, हाइड्रोलॉजी। फिर अब लेकिन रेलवेज की तरफ ज्यादा ध्यान बढ़ रहा है, रेलवेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद आप एनवायरमेंट, सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी को नीचे रखा है, लेकिन नहीं, आरसीसी के जो कोड होती है, आईएएस कोड होता है, उसके क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग और आरसीसी को मिला के पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी के क्वेश्चन कंबाइन होकर आते हैं, आईएएस कोड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे स्टील में जो है वो थ्योरी पार्ट की जो पिच है, उसकी जो रेंज है वो कहाँ से क्या है वेराई करती है, जो एज डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस है, उनको वैल्यू देखना है। फिर जियोलॉजी आ गई, जियोलॉजी को आप देख लीजिएगा, जिसमें स्टोन्स और इनके बारे में पूछते हैं, रॉक्स के बारे में पूछते हैं। तो ये एक हमारा था। तो सबसे पहले आप बीएमसी को कवर करो, बीएमसी के बाद आरसीसी और एस्टिमेटिंग को कवर करना चाहिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, फिर सॉइल मैकेनिक्स, FM, इस तरीके, जो भी आपको लगता है उस तरीके से, और एक सब्जेक्ट को करते जाओ और दूसरे रिवाइज करते जाओ। रिविजन का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहना। फिर इसको किस तरीके से एनालाइज करना है, आपने मान लो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया, फिर क्या होता है कि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, तो जितने आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो मोस्टली आपके 60-70% के क्वेश्चन लगने चाहिए। अगर 60% से 70% के बीच में क्वेश्चन लग रहे हैं, इसका मतलब आपने वो सब्जेक्ट सही से पढ़ा है। बट अगर इससे भी कम लग रहे हैं तो आपके बेसिक्स को फिर से क्लियर करने की जरूरत है, बेसिक्स को क्लियर करने की जरूरत है। उसके बाद क्या है कि जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं पढ़े,
नहीं बने, उस टॉपिक को आप फिर से पढ़ो और उसको अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसमें एड ऑन कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाए उसमें एड ऑन कर लो और फिर से प्रीवियस ईयर लगा के देखो, तो ये 70% से ऊपर जाना चाहिए। मतलब इस बार 80 से 80-85% के बीच में क्वेश्चन बनने चाहिए। इसी तरीके से रिविजन होता है कि ऐसा नहीं कि बार बार नोट्स पढ़े, शॉर्ट नोट्स तो आपको पढ़ना ही है जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसके पहले, बट शॉर्ट नोट्स को हमेशा इम्प्रूव करना है। जब भी आप प्रीवियस को लगाओ, जो टॉपिक नहीं बने उसको फिर से पढ़ो और फिर उसे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो और फिर से क्वेश्चन लगाओ। फिर एक बात आती है, जब आप सब पढ़ लोगे उसके बाद आपको 1 month पहले या फिर आप चाहो तो टॉपिक करने के बाद भी, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसकी फील आनी चाहिए कि जिस दिन मेरे को पेपर देने जाना है उससे पहले आपको अपने आप को बहुत ट्रेन करना पड़ेगा, उसके लिए मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, उसको एनालिसिस करना है, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। इसी तरीके से प्रिपरेशन चलती है, ये पूरी साइकिल है। पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, शॉर्ट नोट्स को इंक्लूड करो, मॉक टेस्ट लगाओ, शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो, फिर पढ़ो, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स मतलब नहीं है कि ईच एंड एवरी टॉपिक लगा लिया, जब आपने पढ़ा उसे लिख लिख के लिखो, लिख के जब देखोगे तो उसमें क्या है कि कुछ टॉपिक आपके दिमाग को बिल्कुल याद होंगे और कुछ टॉपिक में बहुत ही, जैसे मान लो अगर हमने टॉपिक लिया हाईवे एंड डेवलपमेंट प्लानिंग का, तो उसमें 3 ईयर का प्लानिंग है, तो उसमें पूरी लाइन नहीं लिखनी। जैसे 3N लिखा, LMN लिखा, लखनऊ पीछे से शुरू किया, लखनऊ का, लखनऊ मुंबई और फिर हमारा नागपुर, तो नागपुर में सबसे पहले सेशन हुआ था उसको लिखा, फिर उसमें डेंसिटी कितनी है, वहाँ पे कौन सा रोड प्लान यूज किया गया, किस तरीके से रोड को कैटेगरी करी गई है, वहाँ पे एक्सप्रेसवे लिया कि नहीं लिया, टिक कर दो। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और फिर प्रिपेयर करना है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, ये जो है पूरा, तो आप इस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को सिक्वेंस लगाएं और उस हिसाब से प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको पता ही है कि SSCJEE ने 9th अपनी डेट को निकाल दिया है, 9th, 10th, 11th अक्टूबर में हो सकता है, तो आपके पास देखने के लिए बस 4 months ही रह गए हैं। तो एकदम लग जाना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि अक्टूबर के स्टार्टिंग में मान लो अगर 1 भी आप डेट ले रहे हो तो उसमें आपको बस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर पाओगे या मॉक टेस्ट या जितना भी दिया है उसको बस रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है। तो जून, जुलाई, अगस्त तो बहुत सारा कुछ पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, पीवाईक्यू लगाने हैं, करंट अफेयर पढ़ना है, पीवाईक्यू लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, जनरल अवेयरनेस करना है, रीजनिंग की डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करो, 4 महीने प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। स्पीड पे उस पर काम करना है और उसमें सोचना है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को शॉर्ट में हम सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आएगा। वेल थैंक यू, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।